कितना भाड़ा हुआ, आपका कितना भाड़ा बना, वहाँ जाओगे तो इतना भाड़ा लगेगा, नहीं ये तो भाड़ा कम है, आप थोड़ा ज़्यादा दीजिए, नहीं हम भाड़े का काम नहीं करते, हम भाड़े पे नहीं देते सामान को। ये भाड़ा जो शब्द है आपने अपने जीवन में हजारों बार सुना होगा, मगर कभी इस पे मनन नहीं किया होगा। भाड़ा जो शब्द है वो किराए के रूप में आता है, जिसको कहते हैं कि भाड़ा देना है, कहीं आना जाना है तो कितना भाड़ा लगेगा, या सामान कहीं भेज रहे हैं या ला रहे हैं तो उसका कितना भाड़ा होता है, या भाड़ा इतना लगा। व्यापारी अधिकतर बोलते हैं कि भाई इस पे भाड़ा ज़्यादा लगता है इसलिए ये सब्जी महंगी हो जाती है, ऐसा अक्सर आप सुनते होंगे मंडियों के अंदर कि ट्रक का भाड़ा बढ़ गया, डीजल बढ़ा तो अब भाड़ा बढ़ जाएगा। ये जो भाड़ा शब्द है ये भंड से बना है, भड़ माने होता है सामान, सामान से ही लाने ले जाने से इसको भाड़ा बना है। मगर भाड़े का एक शब्द बहुत अच्छा है जिसको बोलते हैं भड़ू। ये जो भड़ू शब्द है, ये भड़ू शब्द बहुत कमाल का है, इसको भड़ू भी बोलते हैं और भड़ू भी बोलते हैं। भड़ू और भड़ू, भाड़ा या भड़ू या भाड़क, ये लगभग एक ही शब्द हैं। तो जो भड़ू है वो बोलते हैं जिन्होंने सर पे मुंडन कराया है, यानी जो मुंडन करा देते हैं, गंजे हो जाते हैं, उनको भड़ू बोलते हैं या भड़ू बोलते हैं। ये जो मुंडन कराने वाले लोग थे, ये सारे के सारे जो भिक्कू या भिक्कुणा थे उनको बोला जाता था। ये भड़ू शब्द बाद में जब जैसे जैसे उनकी एजुकेशन गई तो ये गाली बन गया और इसको भाड़ू बोलने लगे, भड़वा बोलने लगे, भड़वे बोलने लगे। ये शब्द वहाँ से बना है। एक शब्द और भी है जिसको भाड़क बोलते हैं। भाड़क का मतलब बड़ा ऊंचा होता है। भाड़क वो होता है जो धम्म ग्रंथों की, जो बुद्ध के उस समय के धम्म ग्रंथ थे जिनको याद करके एक दूसरे को सुनाया जाता था, भड़क ये काम करते थे कि वो उनको याद करके और उसके उपदेश भी दिया करते थे, उनको भी भड़क बोलते हैं। तो ये भड़क और जो ये भड़ू थे, ये बाद में भड़वा और भड़े शब्द बन गए और गाली बन गए। एक शब्द और है जिसका नाम है भड़े। भड़े जो बोला जाता है वो जो जैसे राजा होता है या राज दरबार में जो लोग होते हैं जिनको ज़्यादा पोजिशन जिनकी ऊपर होती है, वो अपनी प्रजा के लिए जो वहाँ आती थी उसको कहते थे, जैसे आज की डेट में हम कहते ना अच्छा ठीक है, तो वो अच्छा की जगह इसको भड़े इस्तेमाल करते थे, कहते भड़े। अगर किसी ने कोई बात की तो कहा भड़े, भड़े का मतलब है बहुत अच्छा या अच्छा या बी श्योर, ये ऐसा होगा, आप बेफिक्र हैं, भड़े का मतलब वहाँ भी पॉजिटिव है। तो ये भड़ू या भड़े जो शब्द है या भाड़क शब्द है, ये पाली साहित्य, बौद्ध साहित्य और पुराने समय के बहुत रेस्पेक्टेबल, बहुत इज्जत वाले और बहुत शानदार शब्द रहे हैं। चूँकि जिनकी एजुकेशन चली जाती है, जिनका राजकाज चला जाता है, उनके सारे अच्छे शब्द बाद में गाली बन जाते हैं। ऐसा ही प्रकृति है, ऐसा ही नियम है। जब राज वापस आता है तो यही भड़े, भड़ू और भाड़क, ये सारे शब्द निकल के फिर आ जाएंगे। धन्यवाद।